नमस्कार, खबर 1 बजे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर से करेंगे। धर्मांतरण मामले में एक बड़ी कार्रवाई राजधानी भोपाल में हुई है। बता दें आपको, फरार 3 और आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बिलाल फैजान लाला साहिल बच्चा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सभी 6 आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। तो बिलाल फैजान लाला साहिल बच्चा से पूछताछ पुलिस की टीम कर रही है। जानकारी आपको दे रहे, युवक के गले में पट्टा बांधकर जानवरों की तरह सुलूक किया गया था। इस मामले में सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए कार्रवाई करने की बात कही। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनके मकानों को, उनके अवैध निर्माणों को ढहाया गया। उसके बाद अब फरार 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। समीर साहिल मुफीद 4 जुलाई तक फिलहाल जेल में ही रहेंगे। दूसरी तरफ बिलाल फैजान लाला साहिल बच्चा को भी गिरफ्तार कर दिया गया। सभी के खिलाफ लव जिहाद कानून का मामला दर्ज हुआ है। सोमवार को आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला था। मैंने तेरा क्या करा था ये बता। कुत्ते की तरह भाई, मैंने कुछ भी नहीं करा भाई। आपके मैंने कहा भाई आपके दोस्तों ने कराया था। मैं आपको ही तुम मुझे गालियां को बकरी है। इसके कहने से बाकी ये गालियां तूने ईमानदारी से मानना नहीं। समीर भाई जो ये बोले वो करता रहे बस। कुछ भी नहीं था, किसी और ने डाली है स्टोरी। किसके कहने से बाकी ये गालियां। इस पूरे मामले में धर्मांतरण के तहत अब कार्रवाई भी की जा रही है और ज्यादा बातचीत हम करेंगे। सीधे रुख करते हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज, ये बड़ी खबर कहा जाएगा, 3 आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हुई और 3 और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया। जिस तरह से एक्शन देखा जा रहा है इस मामले में, समझ में आ रहा है कि पुलिस कितनी गंभीर है, सरकार कितनी गंभीर है इस मामले को लेकर। देखिए, जिस तरह की घटना सामने आई थी जया, यही कारण है कि सरकार ने गंभीरता से एक्शन लिया और कल ही हमने देखा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई थी। साथ ही उनके घरों पर भी सरकार का बुलडोजर जलता हुआ नजर आया था। बाकी जो 3 फरार आरोपी थे उन पर लगातार पुलिस जो शिकंजा कसने की तैयारी में थी, और यही कारण है कि आज सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसमें खासतौर से कल की बात करें तो मुफीद, बिलाल और साहिर को गिरफ्तार किया था। बाकी 3 बच्चे जो आरोपी हैं, जिन्हें आज समीर को गिरफ्तारी हुई है, खासतौर से साहिल बच्चा की गिरफ्तारी हुई है, तो तमाम जो 6 आरोपी हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए। और गंभीर घटना थी, यही कारण है कि लगातार गृहमंत्री मुख्यमंत्री लगातार इस घटना को लेकर तमाम अधिकारियों से फीडबैक भी लिया जा रहा था। और एक स्पष्ट संदेश भी कहीं न कहीं मध्यप्रदेश में दिया गया है कि जिस तरीके से धर्मांतरण जैसी घटनाओं को मध्यप्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई भी कट्टरवादी सोच के व्यक्ति को इस प्रकार से घटनाक्रम करने को कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। यही कारण है कि सरकार ने गंभीरता से पूरी घटना को लिया, तत्काल कार्रवाई की और जो 6 आरोपी हैं वो जेल की सलाखों के अंदर हैं। तो कहीं न कहीं सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि इस प्रकार की धर्मांतरण गतिविधियां मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी इस तरीके घटनाक्रम को अंजाम देगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी और सरकार का बुलडोजर भी चलता नजर आएगा। जी शुक्रिया आपका सूरज, फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। तो भोपाल में हाल ही में जो वीडियो वायरल हुआ था, एक युवक को बांधकर जानवरों की तरह उसके साथ सुलूक किया जा रहा था। आप देख सकते हैं किस तरह से इस वीडियो में शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, कुत्ता बनने को मजबूर किया जा रहा है इस युवक को, और धर्मांतरण की भी बात इसमें सामने है। इसके बाद पुलिस ने गंभीरता से इस मामले को लेते हुए अब सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में आगे कार्रवाई भी की जा रही है। तो भोपाल में युवक के गले में पट्टा डालकर उसे जानवर बनाया गया, उसे भौंकने पर मजबूर करने वाले युवकों पर जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने भी एक्शन लिया है। युवकों को पुलिस ने हिरासत में लेने के साथ ही उनके घरों को भी तोड़ा गया। इस घटनाक्रम पर कांग्रेसी नेताओं की चुप्पी पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से लेकर दिल्ली तक के कांग्रेस नेताओं को घेरा। गृहमंत्री ने कहा कि चचा जान दिग्विजय सिंह जो उत्तराखंड और विदेश तक की घटनाओं पर ट्वीट करते हैं, लेकिन भोपाल की घटना पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में धर्मांतरण का कुचक्र नहीं चलने दिया जाएगा। ऐसे असामाजिक तत्वों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि पूरा देश याद रखेगा। देखिए, गड़बड़ कोई भी करेगा, हम धर्मांतरण का कुचक्र नहीं चलने देंगे, हम गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, हम दादागिरी नहीं चलने देंगे। गुंडागर्दी करने वालों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि पूरा देश याद रखेगा। ऐसे असामाजिक तत्वों को, बदमाशों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। दिल्ली से लेके भोपाल तक और भोपाल से लेके गांव की चौपाल तक
एक कांग्रेसी ने निंदा नहीं की। एक मानव को मानवों द्वारा कुत्ता बना दिया गया, भौंकने को कहा गया, मांस खाने को कहा गया, धर्मांतरण को कहा गया, एक शब्द निंदा का नहीं आया गांव की चौपाल से भोपाल तक। वैसे छोटी छोटी घटनाओं पर दिग्विजय सिंह का ट्वीट आता था, चचा जान का, उत्तराखंड से लेके विदेश तक, इस पे एक शब्द नहीं आया। जिस युवक के साथ यहाँ घटना हुई, इसी विधानसभा के अंदर टीला जमालपुरा में, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी क्या उस घटना का समर्थन करते हैं? जिस प्रकार से उस धर्मांतरण करने के लिए उसको दबाव डाला गया, गुंडिज्म किया गया, बेल्ट बांध करके उसे कुत्ता भौंकने के लिए कहा गया, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर तुष्टीकरण नहीं चलेगा, यहाँ तोड़ीकरण चलेगा, ठिकाने लगा देंगे।